केंद्र सरकार के सामाजिक और न्याय मंत्रालय के राजश्री व्योश्री योजना के तहत आज हम सभी दिव्यांग भाई बहन, वृद्धजन को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ ये सहयोगी यंत्र उनके कार्य करने में नई प्रेरणा देंगे, नई उमंग देंगे, शक्ति देंगे। साथियों, हमारे दिव्यजनों का इस समाज में बड़ा सम्मान है और हमारे दिव्यजनों ने अपने आत्मविश्वास से अपने कुशल नेतृत्व से अपने कार्य से समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम जब भी दिव्यजनों की बात करते हैं, इन दिव्यजनों ने भारत को एक नया प्रकाश दिया, नया उजाला दिया है। अभी कुछ दिनों पहले पैरा ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा पदक जीतकर इन दिव्यजनों ने भारत का नाम रोशन किया है, भारत का उत्साह बढ़ाया है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि हमारे दिव्यजनों ने एक वैज्ञानिक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, सामाजिक सेवा के रूप में, व्यापार उद्योग के रूप में बहुत बड़ा समाज को योगदान दिया है। इन दिग्विजनों में व्यापक सामर्थ्य शक्ति है, काम करने का उत्साह है, लगन है। आवश्यक है कि समाज उनके साथ खड़ा रहे। मेरी आंखें यहां देख रही है आज किस तरीके का उत्साह उनमें है कि उनको ये यंत्र मिलकर उनके कार्य में और शक्ति मिलेगी, और गति मिलेगी। वो दिव्यजन समाज के लिए बोझ नहीं है, वो दिव्यजन हम सबके लिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। और इसीलिए जब देश के अंदर हम कीर्तिमान की बात करते हैं तो उस कीर्तिमान के अंदर दिव्यजनों का कीर्तिमान हमेशा सोच रहा है और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। साथियों, मेरे बुजुर्ग माता बहनों, मेरी अपेक्षा रहती है कि हर गांव के अंदर हर दिव्यजन आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैरों पर खड़ा होकर रोजगार कर सके। इसके लिए जहां भी आवश्यकता होगी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये समाज में बदलते समाज के परिवर्तन में हमने देखा कि कई दिव्यजन
अपने परिवार को पालते हैं और समाज में योगदान भी देते हैं। हम सबको इन दबे दिनों के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। पिछले कई दिनों से आप इन सहयोगी यंत्रों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोविड महामारी के कारण लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको इन यंत्रों और उपकरणों में मिलने में देरी हुई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा एक और स्वार्थ था कि आपके साथ साथ जो लोग गांव के अंदर अभी शिविर में नहीं आए थे, तो कोविड के बाद मैं उन लोगों को भी बुलाना चाहता था ताकि वह भी शिविर के अंदर आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराए ताकि उनको भी शीघ्र हम ये यंत्र उपलब्ध करा सके। एलिम्को ने 28 यंत्रों का उत्पादन किया। मैं पिछली बार जब मैंने इनके शिविर को लगाया था तो उन शिविर के अंदर जिनके हाथ नहीं है उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के हाथ लगाए। जिस दिव्यजनों के पेड़ नहीं है, पेड़ कटा हुआ है, इन दिव्यजनों को सबसे बढ़िया पेड़ लगाकर, एक कृत्रिम पेड़ है लेकिन कृत्रिम पेड़ भी उसको खड़ा कर सारे काम करने के लिए उपयोगी हो रहा है। हमें समाज के अंदर व्यापक बदलाव लाना है और बदलाव जब ही आएगा, जब सभी वर्गों को समानता का अधिकार मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको बराबर का न्याय मिले और जो दिव्य जनों का अधिकार है उन अधिकारों का संरक्षण हो। और इसीलिए हम दिव्य जनों के संरक्षण के साथ साथ दिव्य जनों को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर के साथ भारत का योगदान देने वाले दिव्य जन बनाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि हम यह व्यापक परिवर्तन कर पाएंगे। यहां पर कई वयोवर्ग भी आए हैं, उम्र के साथ साथ उन वयोवर्ग भाइयों को भी सहयोगी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। मैं जब गांव में जाता हूं तो कई बार देखता हूं कई हमारे गांव के लोगों के आंखों का चश्मा नहीं, उससे उनको देखने पढ़ने में दिक्कत आती, कई हमारे गांव के बुजुर्गों को सुनने में दिक्कत आती है, कई हमारे बुजुर्ग लोगों को अब छड़ी की आवश्यकता पड़ जाती है, कई हमारे बुजुर्गों को क्योंकि बैठने में दिक्कत आती है इसलिए उनको कपाट मिले उसकी आवश्यकता है। कई दिव्यजन देखता हूं मैं, कमर में बहुत पेन रहता है, कमर झुक जाती है इसलिए कमर बांधने में उनको बेल्ट मिले ताकि उनकी कमर भी ठीक रहे और कमर का दर्द हो तो कमर का दर्द भी कम हो जाए। ऐसे कई सारे यंत्र की प्रदर्शनी यहां पर लगी है। मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे गांव के अंदर
जाकर ऐसे लोगों की पहचान करें, चिन्हित करें और उनको आज जो शिविर में नहीं आए हैं, हम बहुत जल्दी शिविर लगाएंगे। उस शिविर के अंदर हर गांव के अंदर जिनको सहयोगी यंत्र की आवश्यकता है, उस गांव के अंदर 100% लोगों की पहचान करकर उनको सहयोगी यंत्र दिलाने का काम करें। यह हमारे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। अगर हम समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सामाजिक परिवर्तन जब ही आएगा, जब हम दिव्यजनों के सहयोगी बने, वयोवृद्ध पिता के सहयोगी बने, उसके बेटे के रूप में उसकी सेवा करें और उसको भी लगे कि मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है लेकिन खून के रिश्ते से ज्यादा मेरे बेटे के रूप में मेरी सेवा कर रहा है। यह हम सबको मिलकर करने की आवश्यकता है और इसीलिए मैं गांव के अंदर एक व्यापक परिवर्तन का सपना देखता हूं। मेरा सपना है कि गांव में रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसके इलाज के अंदर जो जो की कमी है उसके इलाज के लिए हम सहयोगी बन सके। कई बार मैं पिछली बार कोविड लहर की इस समय मैंने देखा कि गांव के अंदर जो कोविड लहर का सेकेंड लहर में संक्रमण फैलने लगा था, न गांव में ऑक्सीमीटर था, न गांव में थर्मामीटर था, न ग्लूकोमीटर था, न बीपी मशीन थी और चिकित्सा के अभाव के अंदर, जानकारी के अभाव के कारण कई लोग हमारे बीच में नहीं रहे। उस पीड़ा और दर्द को मैंने देखा। जब गांव में पूछता था, मैंने कहा अचानक इतना सीरियस हो गया, आपने क्यों नहीं देखा, तो उनको तो बस ये पता चला कि साहब एकदम सांसें आने बंद हो गई और सांस लेने में दिक्कत आई। अब उसके पास ऑक्सीजन मीटर तो था नहीं कि ऑक्सीजन लेवल गिर गया है, क्योंकि द्वितीय लहर में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण कई लोग हमारे बीच में नहीं रहे। ये पीड़ा और दर्द मैंने समझा और मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि हर गांव के अंदर पांच पांच हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे जो उस गांव के अंदर सामान्य स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से करते रहेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम हर गांव के अंदर स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे और स्वास्थ्य शिविर के अंदर जो कुछ भी थोड़ी बहुत बीमारी का आशंका है उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद उसका डिजिटल कार्ड बनाएंगे और उस जांच के अंदर अगर कोई बीमारी पाई तो जिसका इलाज कोटा हो सकता है कोटा कराएंगे, जिसका इलाज जयपुर हो जयपुर कराएंगे और जिसका इलाज दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है उस व्यक्ति का निःशुल्क इलाज कराएंगे ताकि हर व्यक्ति को स्वस्थ रख सके। ये एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी है। आपने मैं चुनकर भेजा इस विश्वास भरोसे के साथ कि हम आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, हम आपके सुख दुख के अंदर खड़े रहें, हम आपके सहयोग के लिए खड़े रहें और इसके लिए तमाम कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर हर गांव में हमने मेडिकल कैंप लगाने का प्लान बनाया है। एमएलए साहब ने हर पीएससी सीएससी के अंदर एम्बुलेंस दिए, आने वाले समय में कुछ मोटर व्हीकल गाड़ी भी हम चलाएंगे ताकि लगातार लोगों की नियमित जांच होती रहे
और जैसे ही कोई बीमारी की आशंका हो तुरंत बीमारी का इलाज हो जाए ताकि वह स्वस्थ रह सके, ज्यादा जिंदगी जी सके। हमें और बहुत सामाजिक जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन करने हैं। ये परिवर्तन बातों से नहीं आएंगे, ये परिवर्तन आएंगे हम सबको सामूहिकता के साथ काम करने। और इसीलिए हम सब सामूहिकता के साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कार में हर दुखी पीड़ित व्यक्ति की सेवा हमारा धर्म है। हम उस धर्म और दायित्व को निभाएंगे तो हम समाज को सुखी रह पाएंगे। और इसीलिए आज ये शिविर लगा है। कुछ लोग शिविर में आज आए हैं जांच कराने, कुछ लोग और नहीं आए, लेकिन जब गांव के अंदर ये लोग पहुंचेंगे तो और गांव के लोगों को भी पता चलेगा कि हमें भी शिविर में जाना चाहिए, हमें भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। मैं बहुत जल्दी अजय चौधरी जी को मैंने कहा है कि अगली तारीख भी हम बहुत जल्दी बता देंगे। और उस पांच पांच गांव के अंदर कार्यकर्ता ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिनको किसी भी सहायक उपकरण की आवश्यकता है उन सबको इस वर्ष के अंदर तमाम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का काम पूरा करें। और ये जिम्मेदारी हमारी है। आज इसकी शुरुआत लाखेरी से हुई है, लाखेरी के बाद केशवपाटन, बूंदी, कोटा, जिन लोगों के आज सहायक उपकरण नहीं मिल पाए हैं कुछ लोग आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बाकी लोगों का और रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन अब हर गांव के अंदर हमारा कार्यकर्ता जाएगा, वहां जाकर उन लोगों को लेकर उस शिविर में आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जिस दिन उपकरण मिलेंगे उस दिन हमारा कार्यकर्ता वहां पर लेकर आएगा। ये काम हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। हम सब इन दिव्यजनों और बुजुर्गों के सहयोगी बने, बेटे बने, इनका आशीर्वाद हमें कार्य करने की नई प्रेरणा देगा, इनका आशीर्वाद हमको नई दिशा देगा। मुझे आशा है आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलते रहे। कुछ देरी आपको जरूर हुई है क्योंकि कोविड के समय हम जांच शिविर नहीं लगा सकते थे, लोगों को एक साथ सामूहिकता के साथ इकट्ठा भी नहीं कर सकते थे। सामाजिक दूरी कोविड की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके कारण आपको देरी हुई है। लेकिन आप निश्चित मानिए कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर हर दिव्यजनों और हर वयोवृद्ध व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार इस 2022 में सबको यंत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि वो गांव में जाए तो सहयोगी यंत्र उसके जीवन जीने की और सहयोगी बन सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय का। निश्चित रूप से ये जो